स्टूडेंट्स हाउ आर यू, होप यू आर एंजॉयिंग द स्टडीज विद बेस मेकर। ओके, उम्मीद है आप लोग वीडियोस को अच्छे से देख रहे होंगे। टुडे आई वांट टू डिस्कस रिगार्डिंग द एग्जाम फोबिया, एग्जाम का डर, जो काफी कॉमन टॉपिक है। एग्जाम का डर रहता है और सबसे अच्छी बात इसके बारे में सबको बता दिए कि हो रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूंगा, किसी भी तरह का एग्जाम हो, चाहे डांस शो हो, रियलिटी शो हो, सिंगिंग शो हो, तो हर किसी को एक टेंशन रहता ही है कि क्या होगा कल मेरा, कल मुझसे वो आगे निकल जाएगी, मुझसे आगे निकल जाएगा, मेरा फ्रेंड मुझसे ज़्यादा स्कोर ले आएगा, और इसके अलावा कुछ अनएक्सपेक्टेड फियर्स भी रहते हैं। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले ये जो फियर है, ये जो डर है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करें। ए, फियर ऑफ फेलियर। एक स्टूडेंट्स की ऐसी कैटेगरी होती है जो टाइम टेबल मिलता है तब जागते हैं, तो दैट इज अ फियर ऑफ फेलियर, उनको लगता है हम तो फेल हो ही जाएंगे। ओके, ए कैटेगरी, तो उनके लिए तो एक ही टिप है, एक्सेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट करें कि हाँ गलती हो गई है, रिग्रेशन होना चाहिए, महसूस होना चाहिए, पश्चाताप होना चाहिए, एंड स्टूडेंट्स को, उन स्टूडेंट को टीचर से, पेरेंट्स के कॉन्टेक्ट में रह के उसका सोल्यूशन ढूंढें, बात करें। ओके, सिंपैथी नहीं लेना है, ऐसा नहीं कि सिंपैथी लेना है, मैं क्या करूँ, मेरे पे दया करो, नो, यू शुड गो फॉर द हेल्प, प्रॉपर गाइडेंस। जैसे मेरी तरफ से गाइडेंस ये रहेगा कि गो थ्रू द सैंपल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करिए, जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है उनको करिए, ज्यादा से ज्यादा पूछे गए, एंड हर चैप्टर का, पूरे कोर्स को आपको लगता है बहुत बड़ा कोर्स है, 16 चैप्टर है, 15 चैप्टर है, नो, हर चैप्टर का लास्ट लास्ट एक्सरसाइज, लास्ट लास्ट क्वेश्चन पे ज्यादा जोर दीजिए, उनसे ज्यादा आता है। एंड स्कोरिंग टॉपिक्स, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, मैथ्स में जैसे आता है, ज्योमेट्री आता है, स्कोरिंग आप गाइडेंस लीजिए, अच्छे बच्चों के संपर्क में रहिए, वो ही एक तरीका है। लीव द ईगो एंड गो फॉर योर बेटरमेंट। सेकेंड कैटेगरी जो बहुत कॉमन है वो है डिस्पाइट ऑफ द हार्ड वर्क, फियर ऑफ अंडर परफॉर्मेंस। हार्ड वर्क किया हुआ है, मेरे परसेंट अच्छे आएंगे, फिर भी एक डर है, पता नहीं क्या डर है, पता नहीं क्या हुआ, वो मुझसे आगे चला जाएगा। पेरेंट्स का प्रेशर कि इस बार 90 से ऊपर आने चाहिए, सोशल प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, वो एक कैटेगरी कॉमन है। तो उसको हम हटाने के लिए जो सॉल्यूशन देखेंगे, तो आइए अपन उस बारे में बात करें, बी कैटेगरी के बारे में। बी कैटेगरी कौन सी? फियर ऑफ फेलियर डिस्पाइट ऑफ द हार्डवर्क होते हुए भी फेल होने, डर, अंडर परफॉर्मेंस का डर, फेल होने का नहीं, अंडर परफॉर्मेंस, 90 से 80 ना आ जाए, 80 से 70 ना आ जाए, या मुझे और ज्यादा लाना है, क्या करूं। तो आपको जो तीन पॉइंट्स बता रहा हूँ, पहला है ब्रेन एम्पावरिंग मीन्स कि आपने मस्तिष्क को आप प्रॉपर ताकत सुचारू रूप से चलाइए। हम अपने ब्रेन का प्रॉपर यूज नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते? इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, तो आपको इनहेलिंग करनी है। जब आप सोचेंगे ऑक्सीजन तो वैसे ही लेते हैं, वैसे ही नेचुरल है, बट इंटेंशनली यू शुड इनहेल। उसके लिए आप लोग एग्जाम स्टडीज के दौरान वॉक पे जाइए, लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जाइए, लॉन्ग ड्राइव से कुछ नहीं होगा, लॉन्ग वॉक पे जाइए, 10 to 10 minutes, 5 to 10 minutes, बीच बीच में जब भी टाइम मिले तो इससे इनहेलिंग होगी ऑक्सीजन की। टेक अ वाटर, नॉट ओनली टू रिमूव द ड्राइनेस, प्यास बुझाने के लिए ही पानी नहीं पिया जाता, आपको पता है कि पानी में 1:8 का रेशियो रहता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, 1 part ऑफ द हाइड्रोजन, 8 parts ऑफ द ऑक्सीजन, तो उससे भी ऑक्सीजन मिलती है, ड्राइनेस तो रिमूव होती है, ये मिलती तो उससे ब्रेन इम्पावर होती है, ब्रेन को एम्पावर रखिए बिल्कुल प्रॉपर टाइम टू टाइम। ओके, नहीं तो क्या होगा, अगर आपके बॉडी में पानी और ऑक्सीजन कम रहेगा तो ज्यादा क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, लेस अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन एंड ग्रेटर अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड विच मेक द डिप्रेशन एंग्जाइटी, इसी से होता है, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ाइए आप। सेकेंड पॉइंट इज साइलेंस, कीप क्वाइट, जितना जरूरत हो उतना ही बोलिए, कीप क्वाइट। ओके, थर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिरेकुलस, चमत्कार है कि मैं इसके लिए एग्जाम्पल दूँ, चार्जिंग अपन करते हैं मोबाइल की सुबह सुबह, आइडियली जो लोग मोबाइल यूज करते हैं जिनमें सुबह सुबह उसका चार्जिंग कर देते हैं, ओके, कार बैटरीज शॉप वाले सुबह सुबह चार्जिंग पे लगा देते हैं, तो आप जो उठते हैं सुबह सुबह अपने आप को चार्ज करिए, कनेक्ट विद द सुप्रीम गॉड, सुप्रीम सोल, यू आर ऑल्सो द बॉडी विद सोल, आपके अंदर बॉडी के अंदर क्या सोल है, उस सोल को सुप्रीम सोल से
भगवान से कनेक्ट करिए। मैं ये नहीं कहूँगा 5 या 10 मिनट का मेडिटेशन करो, सिंपली थॉटलेस माइंड, मेक अ थॉटलेस माइंड, बिना विचार, कुछ भी दिमाग नहीं होना चाहिए। एंड रिमेम्बर द गॉड, थैंक्स गॉड, थैंक्स टू द पर्संस, दोज आर द वेल विशर्स, देन लव एंड अफेक्शन शोज टू द गॉड। बात करिए भगवान से, जो आपके मन में इच्छा हो उनके सामने समस्या रख दीजिए, भगवान आप मेरी मदद। Only 90 to 100 seconds are sufficient. You heard about that Satya Nadella, Microsoft, Narayan Murthy, Infosys founder. ये बड़े-बड़े millionaires सब meditation के बाद ही आगे अपना काम बढ़ाते हैं। उठने से पहले, पलंग से पांव नीचे रखने से पहले, take a long breath and connect with them. ये सब चीजें आप follow करोगे, 3 important points ये follow करोगे, देखिए आपका डर कोसों दूर जाएगा। और आपको कोई और क्वेरी हो, कुछ और आपको मुझसे शेयर करना हो, राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।